लाइव आ चुका हूँ वीडियो में, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ
मेरे अजीज उमर रशीद, जो कल हुआ, जो इंसिडेंट हो गया कल, मैं बहुत हद से भी ज़्यादा उसके लिए बहुत पछताव कर रहा हूँ। वजह यह है कि मुझे एसोसिएशन के साथ, वो एसोसिएशन के गुस्सा मैंने किसी और पे निकाला। उसके बहुत से रीजंस हैं जो एसोसिएशन के हैं, जो मेरे साथ वो करते हैं अक्सर। उसका मकसद मुद्दा यही है कि ये नहीं है कि मुझे 5 साल की बैन हुई है तो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। उसके सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ उमर रशीद मेरे भाई, उनको बहुत बुरा लगा है, मैंने बहुत बहुत गंदी हरकत की है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी उनको मांगना चाहता हूँ। जो उमर रशीद हैं, बहुत बड़े एथलीट हैं, बहुत इंस्पायरिंग है हर किसी यूथ के लिए। ख़ासतौर मैं बोलूँगा फैक्ट कि जब फ़ोटोशूट मैं नहीं करता था, मैं उसके फ़ोटो अक्सर देखता था और अक्सर मोटिवेट होता था, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं उठा पाता था, उस लेवल की बॉडी भी नहीं थी मुझे उस टाइम की, तो मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ उससे। मगर जो कल हुआ, एज अ फ्रस्ट्रेट, मुझे काबू नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन की वजह से मैंने वो गुस्सा अपने भाई पे निकाला, तो मुझे वो नहीं करना था। मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया, डिहाइड्रेट की वजह से, क्या वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गलती इंसान से हुई है। तो मैं समझता हूँ उनका माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉडी है, उनका दिल भी बहुत बड़ा है, तो वो इंशाल्लाह भाई को माफ़ करेंगे इस हरकत के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो रहा सवाल एसोसिएशन का, रहा सवाल WFF का, तो मैं उस एसोसिएशन की तरफ देखूँगा भी नहीं इंशाल्लाह। बाहर बहुत एसोसिएशन वेट कर रही है मेरा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, हर किसी यूथ का। तो बस भाई, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, उमर रशीद को मैं ख़ास तौर दिल की गहराई से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया वो नहीं करना था, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं निकालनी थी उस पर। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।